विद्यालय का स्कूल है और आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में जो यहाँ पर कांग्रेस समर्थन है, जो ह्यूमन राइट के समर्थक है, वो लोग आंदोलन पर जो अभिभावक है वो लोग मैदान में उतर गए हैं। लगातार जिस प्रकार से फीस का डिमांड किया गया वो अनलीगल रूप से है। इनका ये दावी है कि इसको तत्काल जो है माफ किया जाए और नहीं तो लगातार आंदोलन जारी रहेगा। आज किस लिए हमारा ये आंदोलन? देखिए, एक महीने पहले हमने हावड़ा के जितने तमाम इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल हैं उनमें ये श्री जैन विद्यालय भी मौजूद है, तो इनके संस्थापक के इनके ऑफिस में हमने एक मांग रखी थी कि महामारी के इस दौर में 6 महीने के लिए जो स्कूल फीस है जो मार्च से सितम्बर तक उसको माफ़ किया जाए और साल 2020-21 सेशन का जो सेशन चार्ज है उसको माफ़ किया जाए। कारण आप देख सकते हैं भारतवर्ष में हर जगह लोगों की नौकरियां जा रही हैं। इसी परिस्थिति में हावड़ा की भी एक ही मर्म परिस्थिति है जिसमें बहुत सारे अभिभावकों की नौकरियां चली गई, किसी तरह से घर में गुजर बसर हो रहा है लोगों का। आप मीडिया वाले, आपसे भी कुछ छुपा नहीं है, आपने कोरोना पीरियड में भी बहुत जगह जाकर परिस्थिति को मापा होगा, भापा होगा। इसीलिए हम लोगों ने इनके खिलाफ एक धरना भी दिया था पिछले 8 तारीख को। हमने सोचा कि कुछ इस पर रास्ता या सुलह निकलेगा, मगर स्कूल प्रशासन जो साल का करोड़ों रुपये यहाँ से कमा कर जाती है, 25 साल से पुराना संस्थान है, अगर ये 6 महीने के लिए बच्चों की फीस को माफ़ कर दे और अपने टीचरों को, मैं टीचर का एकदम भी प्रतिद्वंदी या विरोधी नहीं हूँ, अपने टीचरों को सैलरी देती है, तो उनका नुकसान कहाँ से हो जाएगा मुझे समझ नहीं आता। अगर आप 25 साल 28 साल संस्थान चला के टीचर की सैलरी नहीं दे सकते तो वो अभिभावक आपकी फीस को कैसे देंगे जो दिन मजदूरी करते हैं, कहीं छोटी मोटी जगह में नौकरियां करते हैं, रास्ते में ठेले चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। परिस्थिति लचर से भी और बदतर हो चुकी है। स्कूल प्रशासन से बात में आप समझिए, वो ये कह रहे थे उन्होंने खाना पूर्ति की थी पिछली बार जब उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने एक कागज़ दिखाया, उन्होंने कहा कि हम ये बस की जो फीस है 6 महीने के लिए माफ़ करते हैं, लेबोरेटरी फीस माफ़ करते हैं। मैंने उनको संग संग ये जवाब दिया था कि महाशय अकाउंट्स आप हमें न समझाएं, कारण क्या है कि जो बस चला नहीं, जिसमें डीजल लगा नहीं, मेंटेनेंस हुआ नहीं, टायर आपके घिसे नहीं, आप उसकी फीस को माफ़ करते हो। बस आपकी है टोटल 7 बस में कितने बच्चे आते होंगे और स्कूल में आप पता करिए हजारों के तादाद में बच्चे हैं डे और इवनिंग मिलाकर। अगर इतने सारे बच्चे हैं सिर्फ 7 बसों के बस को फीस को माफ़ करने से पैसा कहाँ से बचेगा मुझे समझ नहीं आता। मैं बताऊँ, हो सकता है हाईकोर्ट के सामने जो प्रेजेंटेशन दिया गया है वो पूरी तरह परिपक्व नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर रिपिटिशन दायर करने हम जा रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कारण क्या है, मैं मानता हूँ ये राज्य सरकार का मामला है, इसमें राज्य सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए था। मैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से गुहार लगाता हूँ, पार्टी दल विशेष को छोड़कर सारी बातें भूलकर इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, इन बच्चों के उन अभिभावक के बारे में सोचिए जो आज कहीं ना कहीं सुसाइड करने के कारागार पर पहुँच चुके हैं। परिस्थिति बस से बदतर है। अभी भी आप अगर इसमें राजनीति खोजेंगे तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पद पर उनको बैठने का अधिकार नहीं है। अगर कोई एक भी बच्चे का अभिभावक अगर सुसाइड करता है तो शर्म की बात है इस बंगाल के प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए।